ये देखिए, इससे काजू बादाम निकलता है, इससे, ये ड्राई होने के बाद इससे निकलता है। इसका फल दिखाएंगे अगर गाँच में होगा तो। इसका फल येलो कलर का और रेड कलर का होता है। ये पूरा, वो पूरा हमारा ही है। आइए आपको फल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है फल। इसका नीचे बीजा होता है, वो कैशू नट का होता है, काजू बादाम का। ये रेड और ग्रीन का होता है ये फल। देखिए ऊपर में रेड ग्रीन कलर का है। ये फल भी खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। देखो किंगन पड़े समय। देखिए इससे काजू बादाम निकलता है जलाने के बाद, काटने से। देखिए फल सब नीचे गिरा है। ये मतलब पहाड़ के ऊपर ज़मीन है ना, इसलिए सिर्फ यहाँ पे आम, और ये गर्मी की वजह से आम और ये ही होता है, मतलब काजू बादाम, और कुछ भी नहीं यहाँ पे ज़्यादा उगता है। ये देखिए, ये गाछ है, इससे फर्नीचर बनता है। लंबा गाछ दिख रहा है ना, ये गाछ से फर्नीचर बनता है। और यह है ताल गाछ। Thank you.
हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock। मैं जब वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, ब्लैक और वाइट दोनों भी, तो मैंने लेके बैठा है अभी। और मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए हैं ड्यूटी से, आते आते 9:30 या 10 हो जाएगा शायद। आज फ़ोन करके बोले थे, मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, मैंने खाना नहीं खाया अभी। जितना जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब मिल के खाते हैं, वो कितना भी 10 हो 11 हो 7 हो 8 हो कभी भी। तो मुझे ये खाने का मन कर रहा था, मैं लेके बैठ के ऑफलाइन देखिए छोटा छोटा खा रही थी ऑफलाइन, फिर सोचा वीडियो बना लो। देखिए आप खा के देखा, बहुत ज़्यादा क्रंची है। और सुबह नोकोमट की वीडियो आई थी, बहुत जन पूछो स्वेलो क्यों नहीं किया, मैं नोकोमट स्वेलो नहीं करती हूँ। मेरे सब वीडियो जाकर देख लीजिए, कभी भी मैंने नोकोमट स्वेलो नहीं किया। मैं ही नहीं और ज़्यादातर कोई भी स्वेलो नहीं करते हैं, इसलिए मैं अभी नहीं करती हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे दोनों भी। वाइट बहुत क्रंची क्रीमी था, मैंने सोचा नहीं था कि वाइट ब्लैक पता है ऐसे रहेगा टेस्टी क्रंची, मगर मैंने वाइट इतना क्रंची रहेगा सोचा नहीं था। वाइट हमेशा क्रीमी ज़्यादा रहता है, क्रीमी स्ट्रक्चर ज़्यादा रहता है पाउडरी या क्रीमी, मगर बहुत कम क्रंची मिलता है। मुझे तो बहुत कम क्रंची मिला है, मगर आज वाला बहुत क्रंची था, बहुत टेस्टी था। చాలా బాగున్నాయి రెండు చిప్స్ కూడాను, నేను అనుకోలేదు వైట్ అంత బాగుంటుంది క్రంచీగా ఉంటుంది, కానీ తినాక బ్లాక్ కన్నా ఈరోజు వైటే బాగుంది, బ్లాక్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది, రెండు బాగున్నాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.